नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया आपके सामने एक बार दोबारा कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ शेयरिंग करने के लिए। आप सब जानते ही हो कि जनवरी का मेंस, जनवरी 2020 का मेंस जो है वो ख़त्म हो गया अभी कल। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एंग्जाइटी तो देखो हमेशा होती ही है। जब भी कोई हम अपने मंजिल के नज़दीक जाते हैं या कोई मिशन को अचीव करने जाते हैं, नेचुरल एंग्जाइटी होती है। तो आपने देखा एंग्जाइटी के बावजूद भी आपने एग्ज़ाम दे दिया। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे जो अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम नहीं कर पाए या जो थोड़े से मतलब ज़्यादा कुछ एंग्शियस हो गए या ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए, उनका पेपर हो सकता है कुछ ख़राब हो गया। ये आप जान लो क्या कि हिस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट। चाहे एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ है आपका, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जो होना था तो हो चुका, अब उसको बदला नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता। यू कैन नॉट गो बैक इन टू द पास्ट। तो अब समझदारी तो यही है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। अब देखा जाए, जो मैं बच्चों से बातचीत करी है कल, परसों भी कुछ लोगों ने बात करी है, सहमत कोई बातचीत करी है, मेनली तीन टाइप के बच्चे हैं। पहले टाइप के बच्चे जिनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो गया। एग्ज़ाम अच्छा होना क्या होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होती है कि भाई मैंने जो तैयारी करी उसके हिसाब से मैंने अपने माइंड को बहुत कंट्रोल में रखा और उसके हिसाब से क्वेश्चन करता चला गया। मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक फील गुड फैक्टर था कि यार ठीक ही हो गया होगा। अभी कोई आंसर आया नहीं है, पेपर की अभी कॉपी भी आपके पास नहीं आई है, दुनिया भर के जगह जगह पे ये आपके मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह आते हैं, इससे कोई डिसाइड नहीं होता, ठीक है जी। तो जिन्होंने अच्छा कर लिया है, अब उनके सामने है कि क्वेश्चन की अब अगला स्टेप क्या लिया जाए। दूसरे टाइप के बच्चे जिनको लग रहा था कि और बेटर किया जा सकता था, ये तो सभी को लगता है और बेटर किया जा सकता था। अब समझना, ये हमेशा लाइफ में लगेगा कि मैं भी लग सोचता हूँ कि आज यहाँ इतने साल 32 साल के विद्यामंदिर में आया हूँ और मैं बेटर चीज़ें कर सकता था, ये तो हमेशा लगता है, ठीक है। तो सेकंड टाइप के बच्चे जिनका पेपर हुआ शायद उनकी उम्मीदों के हिसाब से इतना अच्छा नहीं हुआ है, उन्होंने सोच भी लिया नहीं जल्दी, आई डोंट नो व्हाई दे हैव हाउ दे हैव डिसाइडेड कि मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलो दूसरे टाइप के बच्चे, तीसरे टाइप के बच्चे जिनका पेपर थोड़ा इनको लग रहा है बिल्कुल ख़राब ही हो गया, शायद फीलिंग ठीक भी है कि पता लग जाता है जब क्वेश्चन ही नहीं हुए, 30 क्वेश्चन हुए, 40 क्वेश्चन हुए, तो पता नहीं कितना नंबर आएंगे क्या नहीं आएगा। तो तीन टाइप के बच्चे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर उनको लगता है बहुत ख़राब हो गया। देखो बेटा, घबराने की क्या बात है, मैंने पहले भी कहा था जनवरी टेस्ट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी। कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, हम कहते थे फेराडेज लॉ ऑफ आपने इलेक्ट्रोलिसिस बनाया या फेराडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ बनाया या मेंडली ने पीरियड टेबल बनाई, हम साइंस के स्टूडेंट हैं यार, लोगों ने कितनी बार फेलियर किया, एडिसन ने कितनी बार फेलियर किया, ठीक है जी। तो हो गया तो हो गया, एक्सपेरिमेंट ही तो था। ये तो अच्छी बात है कि इस बार अप्रैल में फिर मौका मिलेगा हमें, तो इसमें पैनिक होने की बात क्या है यार। थोड़ा सा मायूसी होती है, एक दिन की मायूसी होती है, दो दिन की मायूसी होती है। हाँ, आपके चारों तरफ जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके जो घर वाले हैं, बड़ा ब्रदर भी हो सकता है, छोटा ब्रदर, उनकी मायूसी के बार ज़्यादा हो सकती है। अरे क्यों चिंता कर रहे हो यार, अप्रैल में फिर चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अब देख लो बैठ के कि जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अप्रैल टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं या अप्रैल टेस्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो विजडम तो यही कहती है कि यार इन सब एग्ज़ाम से, इस परफॉर्मेंस से सीख के उस अप्रैल वाले जेई मेंस को बेटर से बेटर करना है। चाहे वो जो फर्स्ट कैटेगरी वाली का बच्चा जिसने बहुत अच्छा किया हुआ है, वो भी एग्ज़ाम तो देगा ही देगा, एग्ज़ाम फंडामेंटल राइट है, उसको देना ही देना है, क्योंकि एनटीए ने कहा है कि दोनों एग्ज़ाम में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसको काउंटर किया जाएगा, तो सबको देना है एग्ज़ाम जो है, तो आप सबको बेटर से बेटर ही करना है, ठीक है। तो अब देखो, हाँ ये किया जा सकता है कि भाई हिस्ट्री से सीखा जा सकता है। मैंने कहा जैसे कि एग्ज़ाम पास हो गया, सीखना क्या है कि क्या उसके पॉजिटिव रहे, क्या नेगेटिव रहे, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग थे, क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक में आपने अच्छा किया, क्या आपके जो टॉपिक वीक थे उसमें आपने खराब किया, या कुछ रिवर्स ही हो गया कि जिन टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग समझते थे उनके क्वेश्चन गलत हो गए, जिन टॉपिक को आप थोड़े वीक समझते थे उनके टॉपिक को आपके बेटर क्वेश्चन हो गए। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये क्या हुआ होगा, जिन टॉपिक में आप बहुत स्ट्रेस्ड अप नहीं हो गए वो बेटर हो गए हो क्वेश्चन, चाहे आप उनको वीक मानते थे। तो इट इज द रोल ऑफ द स्ट्रेस और रोल ऑफ द एंग्जाइटी दैट क्रिएट द मैजिक। मैजिक मतलब नेगेटिव सेंस में, मैजिक यानी क्या पॉजिटिव सेंस में। तो फिर भी आप, अभी पेपर आया नहीं आपका, दो चार दिन में पेपर आ जाएगा, एनटीए वाले अपने
अकाउंट में, आपके अकाउंट में एक बार डाल देंगे, अपनी साइड पर डाल देंगे, अपने वाले अटेम्प्ट को करके एक बार दोबारा देख लो क्या आपकी पॉजिटिव रही, क्या नेगेटिव रही, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या इसको ठीक किया जा सकता था या ठीक नहीं किया जा सकता था, इस तरह से एनालिसिस कर लो जैसे हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं। समझ आई बेटा बात जो है? फिर क्या करो, जो दूसरे आपके 5 पेपर हैं, जो 6 पेपर हुए हैं 3 सिटिंग के अंदर, उनके 5 पेपरों को करके देख लो, हम भी आपके अपने आपके अकाउंट से उसमें डाल देंगे। जैसे पेपर एनटीए पब्लिश करेगा हम उसको पेपर आपके अकाउंट में डाल देंगे, आपको भी एनटीए की साइट पर सब अवेलेबल होंगे, उन पेपर को 5 को दोबारा करके देख लो और विद इन ए वीक में ये डिसीजन ले लो कि क्या कमी हुई और कैसे इम्प्रूव करना है। अब कमियों को 2-3 तरीके से लोगे। पहली चीज क्या कि आपका 11th का टॉपिक वीक था या 12th का टॉपिक वीक था, 11th के टॉपिक में क्वेश्चन आपने ठीक नहीं किए या 12th के टॉपिक में नहीं किए या कुछ मिक्सचर जैसा है, ठीक है जी। तो कोशिश ये करो अगले तकरीबन 15 दिन, आज हम 10 तारीख से बात कर रहे हैं आपको, 15 दिन यानी कि मान लेते हैं 5 दिन में एनटीए वाले पेपर दे देंगे, लास्ट ईयर उन्होंने 3-4 दिन में दे दिए थे, 30 बेसिकली जनवरी तक जो भी आपके वीक टॉपिक हैं, जो भी वीक पॉइंट्स हैं ना, उनको कंसोलिडेट कर लो। समझ आ रही बेटा बात जो? दूसरा, अब ये भी एक डिसाइड करो, एक दिन तो ब्रेक लो, फुल फ्लैश को जाके मूवी शूवी देख के आओ, दोस्तों के साथ महफिल करो, ठीक है जी। मौसम अच्छा भी हो रहा है, दिन में धूप हो रही है, शाम को ठंड हो रही है, धूप में जाओ थोड़ा घूम फिर के आओ, मूवी शूवी देख के आओ और जाके डिसाइड करो कि भाई पहले मुझे अपने जो CBSE बोर्ड है, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये 12th के बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनको कितनी बोर्ड की तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से करना है, इंग्लिश में क्या करना है, फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें क्या करना है। आपने देख लिया है कि डेट शीट बड़ी फ्लेक्सिबल है, मैथमेटिक्स एग्जाम में बहुत टाइम मिल रहा है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों का एग्जाम 22-23 तारीख को है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो, वो तो बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, उनके तो 7 मार्च को ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर वाले और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को थोड़ा लेट वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप डिसाइड कर लो कि भाई क्या मुझे करना है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। बोर्ड के एग्जाम में क्या करना होता है, क्वेश्चन सिर्फ वही 10-15 साल के रिपीट होते हैं, जो हमने आपको कहा है कि पास्ट ईयर की बुक है उसको ही क्वेश्चन करे जाओ, ठीक है जी। एक कॉपी ले लो, उनको क्या कर लिख के देख लो, 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क को कैसे लिखना है, आपको आंसर यहाँ कोई क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको लाइन बना के लिखना है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में कैसे लिखना है, 4 मार्क वाले या 5 मार्क वाले में कैसे लिखना है, उसको प्रैक्टिस कर लो। 5 पेपर निकाल लो कोई भी CBSE बोर्ड के, उनको एक कॉपी ले लो खाली, उनको लिख लिख के देख लो। समझ आएगी बात बेटा? बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, बहुत आसान काम है बोर्ड के एग्जाम का, लेकिन आप असेसमेंट कर लो कितना आपको एफर्ट लगाना है बोर्ड के एग्जाम में। कितना भी एफर्ट लगाना है फिर भी आप 10-12 घंटे डेली बेसिस पे बोर्ड की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी बोरिंग और डल काम हो जाएगा और आपको इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मेन एम है वो IIT JEE के एग्जाम में बेस्ट करना है, जो कमी रह गई है अभी जनवरी में उसको अप्रैल में पूरा करना है। तो करीब आप 6-7 घंटे बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, 10-12 घंटे का प्लान है, 3-4 या 5 घंटे आप JEE मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वीक पॉइंट फोकस करना है, जैसे पहले मैंने कहा 30 तारीख, 30 तारीख के बाद क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम जो है आप बोर्ड की तैयारी पे लगाओ, मे बी कोई एक पेपर कर लो प्रैक्टिस का, हम भी आपके अकाउंट में कुछ प्रैक्टिस पेपर और नए डाल देंगे नए पैटर्न के बेसिस के ऊपर, 1-3 घंटे पेपर किया, प्रैक्टिस कर ली, मतलब पता लग गया भी क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है, उनको आपने एक्सप्लोर कर लिया और ज़्यादा टाइम आपने क्या करा, बोर्ड के एग्जाम का दिया। अब आप ये समझना कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल JEE मेंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना यानी कंसोलिडेट करना 12th के सिलेबस को। अब 12th का सिलेबस जो है काफी मेजर पोर्शन होता है, आप ध्यान से देखो काफी क्वेश्चन आए हैं 12th के, मुझे तो मेमोरी बेस्ड पेपर पे ही बच्चे बताते हैं, मुझे एग्जाम पेपर आ जाएंगे और क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप उसको 12th की तैयारी जो कर रहे हो, इट मीन्स यू आर इन फॉर वंस अगेन JEE मेंस प्रिपरेशन फॉर अप्रैल। और इस बार क्या करो, और जैसे JEE मेंस के बेस्ड टॉपिक होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, मैथ्स में होते हैं, जिन पे आप जनरली पूरे साल ध्यान नहीं देते एडवांस के चक्कर में, वो अब बहुत अच्छे से हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन भी आए हैं पेपरों में आपके, वो गलत हो गए होंगे, आपने थोड़ी गलती कर दी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे लोग नहीं करते हैं ध्यान नहीं देते हैं JEE मेंस के टॉपिक के ऊपर, जो एडवांस के चक्कर में ज़्यादा लगे रहते हैं, वो टॉपिक कंसोलिडेट हो जाएंगे आपके अच्छे से जो। और 3 घंटे लगाने ही हैं आपको फरवरी में भी, क्या बोर्ड के आप वो JEE मेंस के पेपरों के अंदर, एक पेपर रोज कर लो, 2 दिन में पेपर कर लो। समझ आ रही है बात को जो है? और दूसरा, जिन लोगों के नंबर तकरीबन लग रहा है और ये अभी पता भी लग जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, कि लग रहा है यार कि काफी कम नंबर रह गए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा एडवांस से हटके JEE मेंस पे ज्यादा फोकस करना है।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जेई मेंस का एग्जाम काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं भैया एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, शायद 100 नंबर आएंगे, पता नहीं कैसे गैस कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं ना अगली बार एग्जाम को बिल्कुल जनवरी में फोड़ के आऊंगा, और मेरा मेन एम तो एडवांस ही है। बात ठीक है, एडवांस भी है, लेकिन आप देखो अगर आपके 100 नंबर 75 नंबर के करीब नंबर आ रहे हैं जेई मेंस के अंदर 300 में से, आप इसका मतलब अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस के एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो। एडवांस से फोकस मत करो, एडवांस से फोकस करना 9 अप्रैल के बाद, प्लीज 9 अप्रैल के बाद, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। 9 अप्रैल से लेके जेई एडवांस में बहुत टाइम मिलेगा आपको, 30-35 दिन 40 दिन मिलेंगे, वी विल हेल्प यू। तो प्लीज अभी सिर्फ क्या करो, आप जेई मेंस और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करो, बात को समझो, प्लीज इमोशनल मत हो। इमोशनल एस्पेक्ट से जो भी डिसीजन लिया जाते हैं वो कभी आपका अच्छा नहीं करते हैं, विजडम पीछे हो जाती है जब इमोशन स्ट्रांग हो जाती है। समझ आ रही है आपको बात मेरी? है अच्छे से समझो इस बात को जो है। तो अभी क्या करना है, फिर मैं कह रहा हूँ कि अपनी कमियों को एक बार रिव्यू कर रहा हूँ कि अपनी कमियों को देखना है, क्या हमारा पेपर में खराब हुआ। 6 पेपर आपके हुए, 1 पेपर आपका अपना, 5 पेपर को दोबारा से करना है, देखें भी क्या चीज़ हमारी 11th की वीक है, 12th की वीक है, समराइज कर रहा हूँ दोबारा मैंने जो बातें कही हैं। फिर जाके आपको जो है बोर्ड का देखना है, असेसमेंट करना है, कितना मैं टाइम बोर्ड में लगाना चाहता हूँ, कितना मैं जेई मेंस में लगाना चाहता हूँ। उसके बाद जिन लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हो गया, जिनके नंबर 175 प्लस आएंगे, 200 आएंगे, 200 प्लस आएंगे, उन बच्चों को थोड़ा एडवांस फोकस करना चाहिए। एडवांस फोकस करने का पर्पज ये होता है, बेसिकली क्या है कि कुछ नहीं होता, माइंड सेट को थोड़ा चेंज करना होता है। उसमें थोड़ा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, थिंकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा इंटेंस थिंकिंग करनी पड़ती है। तो उनको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने जो एडवांस आर्काइव के क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो आपके सब सप्लीमेंट्स में होते हैं, वर्कबुक में होते हैं, कहीं पर भी आपकी किताबों में होते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। 11th 12th की टॉपिक होगी वही, मतलब उनको भी मतलब क्या है कि प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि उनका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। उनको क्या है कि शायद बोर्ड में 50% तैयारी बोर्ड की करनी चाहिए, 50% तैयारी एडवांस जैसी करनी चाहिए। हम लोग भी उन बच्चों के लिए अपना फाइनल स्टेप सी पैकेज होता है, जिसको एडवांस प्रॉब्लम पैकेज कहते हैं, वो अभी 1 हफ्ते बाद से मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, आपको प्लानिंग वगैरह बता देंगे, उस पर वो लोग वर्क कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बेटा बात जो है कि जिन लोगों पर काफ़ी अच्छा हो गया, जो बहुत सेटिस्फाइड है, जो बिल्कुल एडवांस में जाना चाहते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ हर बच्चा एडवांस की तैयारी नहीं करेगा, जिनके नंबर 50, 60, 75 आ रहे हैं उनको जेई मेंस में ही अच्छा करना है। ये मैं बहुत जिद करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट से डिसीजन लोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि उनका क्या हो जाएगा, बोर्ड का एग्जाम भी खराब हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम खराब हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बहुत फिर शटर हो जाता है, आप फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, मतलब अप्रैल के महीने में टिल मई तक एडवांस। तो समझ आई आपको बात जो है, मैंने जो कहा है आपको जो है कि जिनका पेपर अच्छा हो गया है बहुत, वो एडवांस से फोकस करें। एडवांस फोकस करने के लिए जेई एडवांस के पुराने आर्काइव करें, और जो आपके जो एडवांस प्रॉब्लम पैकेज होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, ठीक है, अभी दिए जाने वाले हैं, उन पे फोकस करेंगे, बोर्ड 50% करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिनका पेपर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, वो जेई में इसमें वीकनेस को दूर करके अपने बोर्ड के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बीच वाले बच्चे क्या करेंगे, आपका दोनों चीज़ पे फोकस करेंगे, बोर्ड के एग्जाम को भी अच्छे से करेंगे और जेई में इसके अंदर भी क्या होगा अच्छे से करेंगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। करीब 75 से 100 क्वेश्चन रोज जेई में इसके करेंगे, 3 से 4 घंटे लगाने होंगे। समझ आ गया दोस्तों मेरे, मैंने जो बातें करी हैं आपको जो है, ठीक है जी, इन्हीं बातों को ध्यान में लेके, और प्लीज़ मैं फिर आपसे मतलब प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये मन को क्लेश में नहीं करोगे। पापा मम्मी से भी आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे का जो पेपर हो गया है सर मैडम उसको छोड़ दें, जो होना था हो गया, आप चेंज किया नहीं जा सकता, उसको कोई बहुत ज़्यादा मतलब सरकास्टिक डायलॉग ना मारे, ठीक है जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गलती में इमोशंस में कई बार सरकाज़म से डायलॉग भरे हुए आ जाते हैं, हमारे भी आ जाते हैं एज ए टीचर, पेरेंट्स के भी आ जाते हैं, उनको दिल पे ना लें, हम आपके बहुत मतलब वेलविशर हैं, कभी कभी हम अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाते हैं, कई बार डायलॉग निकल जाते हैं, आप दिल पे ना लें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस तरह डायलॉग ना मारें, ठीक है जी, बच्चों को थोड़ा हौसला करें, उसको मोटिवेट करें, कोई बात नहीं बेटा, मेंस में एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाला है, थोड़ा बोर्ड की तैयारी करें। तो आई होप जो मैंने बातें करी आपको समझ आई होंगी, नहीं समझ आई होंगी बातें तो आप मिलो स्टूड के अंदर, मिलो अपने टीचरों से, मिलो, बातचीत करो, ठीक है, मेल लिखिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। इन बातों को एक बार इसको दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है, और मैं व्हाट्सएप मैसेज भी डालता रहता हूँ, उसको फोकस करते रहना, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। फिर दोबारा से मैं आपको माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, आपके मन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करे, और आपकी डिटरमिन्ड माइंड बने, और आगे जितने भी एग्जाम होने हैं और नए जो हर्डल आने हैं उसको हम बहुत स्मूथली क्रॉस करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।